लंगड़ी सरकार का एक ही निशाना रह गया, वो राहुल गांधी। क्योंकि जिस ढंग से राहुल गांधी संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को असहज महसूस जो है कर रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जो है तुरंत माफी मांगे, या जिस मंत्री ने इस तरह की बयानबाजी की है उन्हें माफी मांगने के लिए कहें, और संजय गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उनके खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए। आज जो माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है उसको लेकर देश के लोग चिंतित हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे अपने नेता की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और आप जानते हैं कि 8 नवंबर 2019 को जानबूझकर जो एसपीजी कवर था, जो एसपीजी सुरक्षा राहुल गांधी या उनके परिवार को मिलती थी, उसे हटा दिया गया। और आज देश में जो माहौल बन रहा है वो चिंता का विषय, बिकॉज दे आर टारगेटिंग राहुल गांधी। और मेरा देश की राष्ट्रपति से भी निवेदन है कि वो भी हस्तक्षेप करें और तुरंत प्रभाव से श्री राहुल गांधी जी, उनका परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को एसपीजी सुरक्षा जो है बहाल होनी चाहिए। क्योंकि हम जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी हम श्री राजीव गांधी जी की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ हुई, वो नतीजा हमने देखा है। तो मेरा ये मानना है कि उन्हें तुरंत जो है एसपीजी की सुरक्षा जो है मिलनी चाहिए। चाहूँगा कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में दौरे पे जाते हैं वो केवल अपनी बात करते, और उन्होंने कई बार दूसरे देशों में भारत की छवि को खराब किया और ये साबित करने का प्रयास किया है कि अगर देश में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ अच्छा हुआ, वो उस समय हुआ जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी के बयानों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही। सर, केंद्र में जो है कैबिनेट में एक राष्ट्र, अगर मान लीजिए भाजपा भी गलत है, तो क्या आप उस मुलाकात को और उन बयानों को तर्कसंगत मानते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? देखिए, अगर कोई भी देश का नेता बाहर जाता है उससे बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं, उसमें मिलने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब जो मिल रहे हैं उनकी क्या मंशा है उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पे जब आप विदेश में जाएंगे, वो तो अमेरिका के सांसद हैं, तो निश्चित तौर पे उनसे, अगर वो उनसे उन्होंने समय मांगा होगा तो निश्चित तौर पे वो मिलेंगे। मतलब एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं उनसे मिलना आप तर्कसंगत मानते हैं? देखिए, अगर कोई आकर मिलता है, बात कहता है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहाँ बुराई है, बात तो की जा सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसे वो मिल रहे हैं कि वो उनके तर्कों से, उनकी सोच से वो तारुफ रखते हैं। अब आप हर देश में जो विपक्ष भी है, दूसरे सरकारी पक्ष भी है, तो सरकारी पक्ष के लोग भी अगर मिलने आए उनसे भी मिलते हैं, जो विपक्ष के लोग आए उनसे भी मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों से वो मिल रहे हैं वो उनसे जो है उनकी सोच से या उनकी विचारधारा से वो जो है किसी तरह से जो है सहमत है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।